वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम है कुणाल त्यागी एंड आई होप आपको मेरी फर्स्ट वीडियो पहले अच्छी लगी होगी। अगर आपने नहीं देखी अभी तो मैं उसका लिंक ऊपर दे दूंगा। और पहले जैसे कि फर्स्ट वीडियो में मैं दिल्ली से आगरा आया था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब मैं आगरा से लखनऊ जा रहा हूँ और उसकी जर्नी मैं पूरी आपको शोकेस करूँगा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं आपको बताऊँगा। सो बने रहिए मेरे सफ़र पर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है विच इज़ द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे ऑफ इंडिया और ये डायरेक्ट 310 किलोमीटर्स का है। और अभी तो वैसे रात हो चुकी है बट ये रात के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। हैदराबादी बिरयानी, बनारस का पान या हो कलकत्ता के रसगुल्ले, ये सब तो एक तरफ और दूसरी तरफ है लखनऊ की जुबान। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम आ गए हैं नवाबों के शहर लखनऊ में, जहाँ पे पहले आप करते करते कई बार गाड़ी भी निकल जाती है हाथ से। फाइनली लखनऊ के होटल में हूँ और लखनऊ के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, इसे नवाबों का शहर बोला जाता है, जिसमें बोला जाता है कि अगर आप तहजीब से इत्तिफाक रखते हैं तो मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो ऐसे ही मैं आपको थोड़ा बहुत अब लखनऊ का दिखाऊंगा। वैसे तो मैं यहाँ पर्सनल काम से आया हूँ बट जहाँ भी जाऊँगा और खाना वाना मैं आपसे सब शेयर करूँगा। गाइस अभी मैं अपने होटल से निकला हूँ और होटल गोमती नगर में हनुमान क्रॉसिंग के पास, यहाँ पे सहारा हॉस्पिटल भी है। वहाँ पे आपको सहारा हॉस्पिटल के सामने वाली लेन में ही बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, 5-6 होटल एक ही लाइन में है। होटल लीनेज, रेनेसा, नोवोटल, JBR ग्रैंड, लीनेज और बहुत सारे होटल इसी एरिया में हैं। तो आप जब भी आएँ यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे खाने के रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो हनुमान क्रॉसिंग है गोमती नगर में, वहाँ पे आप आ सकते हैं स्टे के लिए। और अभी यहीं से 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल पार्क है, जो कि पुरानी चीफ मिनिस्टर मायावती जी ने बनवाया था। तो मैं एक बार आपको उसका भी व्यू दे देता हूँ। अंबेडकर पार्क की चौराहे पे हूँ और ये आप देख सकते हैं ऊपर, यही रास्ता आगे ज़ू भी जाता है। यहाँ पे लखनऊ में एक बहुत बड़ा ज़ू भी है और राजभवन भी यही रास्ता जाता है। बट अभी मेरे पास ज़ू का तो टाइम नहीं है, बट आई हैव हर्ड कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा ज़ू है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो ज़ू भी ज़रूर विज़िट करें। और ये मेरे आप लेफ्ट में देख सकते हैं, ये अम्बेडकर मेमोरियल पार्क है और यहाँ पर धूप भी बहुत है और ये पूरा ओपन एरिया है। तो जनरली मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप शाम को आएँ तो आपको धूप कम मिलेगी। और यहाँ पे अंदर जाके टिकट मिलता है और ये 11 बजे खुलता है और शाम के 7-8 बजे तक रहता है। ये इसका एंट्री मार्ग है और आप देख सकते हैं ये बहुत ही ह्यूज है। और इसके सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिवर्तन स्थल है, तो वो भी आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं इसके सामने। बट मैं तो अभी नहीं जा पाऊँगा यहाँ, बट मैं पहले भी यहाँ 2 बार घूम चुका हूँ। इट्स ए ह्यूज प्रॉपर्टी और यहाँ पे आपको बहुत सारे हाथियों के परिक्रमा देखने को मिलेंगे, उनकी कलाकृति, तो आप विजिट कर सकते हैं। बट मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, ये बहुत ही एकर्स में बना हुआ है। तो मेरी तो पर्सनल रिकमेंडेशन ये होती कि अगर ये एरिया गरीबों के लिए यूज़ होता या किसी और फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए यूज़ होता तो बेटर था, बिकॉज इतने एकर्स में केवल एक ओपन गार्डन है और हाथी लगे हुए हैं बहुत सारे। अगर ये गरीबों के लिए यूज़ होता या कोई डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता तो आई एम श्योर कि भीमराव अंबेडकर जी को बेटर श्रद्धांजलि जाती
हम सब की तरफ से। तो ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि इस एरिया का बेटर यूटिलाइजेशन तब हो सकता था, बट ठीक है अब जो है। तो आप जब भी लखनऊ आएँ इसे देख सकते हैं। ये मेरे साइड में जो चल रही है ये गोमती रिवर है, और इस रोड को बटलर रोड बोलते हैं, जो गोमती रोड से सिटी को कनेक्ट करते हो। ये बहुत ही पॉपुलर रोड है यहाँ पे, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर ग्रीनरी और बहुत ही स्मूथ रोड आपको मिलेगी। कोई भी काम करने में बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है, एंड आई एम श्योर मेरी मम्मी खुश होंगी कि मैंने उनका विश्वविद्यालय देखा। ये पढ़ सकते हैं आप नाम, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, और मैं इसके अंदर एंट्री ले रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। कि ये कहीं से भी लगती नहीं है यूनिवर्सिटी, क्योंकि इतनी सुंदर बनी हुई है ये। अब मैं आप लोगों को इसके बाद दस्तखान लेके चल रहा हूँ, जहाँ पे बिरयानी लाल बाग की बहुत फेमस है। वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ, बट मैं आप लोगों को वहाँ के एक्सपीरियंसेस बताता हूँ कि लोगों को वहाँ की बिरयानी कैसी लगती है, क्योंकि बहुत ही मशहूर और बहुत ही पुरानी बिरयानी है वहाँ की। तो अब मैं आ चुका हूँ यहाँ लाल बाग की मशहूर दस्तखान बिरयानी में, और मैं आपको चल के अंदर का दिखाता हूँ कैसा है नज़ारा। देख सकते हैं ये एंट्रेंस है इसकी दस्तखान की, और ये यहाँ का व्यू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, बट मेरे को अभी बिरयानी खाते हुए कुछ लोग मिले हैं, तो मैं उनसे एक्सपीरियंस पूछता हूँ कि उनका एक्सपीरियंस यहाँ का कैसा है। ये यहाँ पे मिली है खाते हुए मुझे, तो आप कौन सा बिरयानी खा रही हैं? ये हांडी, चिकन हांडी बिरयानी है। तो कैसी लगी आपको ये? ये काफ़ी अच्छी है, और मैं काफ़ी सालों से आके यहाँ पे खा रही हूँ। तो आप लखनऊ से ही? हाँ, लखनऊ से। ओके, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट मेरे को एक्सपीरियंस लेना था कि आपकी। चलिए आप कंटिन्यू रखिए अपनी बिरयानी और मजे लीजिए। चलते हैं इमामबाड़ा की तरफ। यहाँ पे आपको लखनऊ में एक से एक पुरानी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, और यही लखनऊ का चार्म है। नवाबों का शहर है ये, और अभी भी उतना ही खूबसूरत। बस यहाँ की भीड़ और ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, पहले से बढ़ गया। आप देख सकते हैं जैसे मेट्रो स्टेशन, यहाँ पे जगह जगह आपको मेट्रो स्टेशन देखने को मिल जाएंगे। मेरे को अपनी कार खासतौर से रोकनी पड़ी ये व्यू दिखाने के लिए। ये देखिए, पीर मोहम्मद की पहले आपको टॉम दिखेगी, और फिर ये देखिए नज़ारे, बहुत ही सुंदर पॉश गार्डन, यहाँ पे लोग आराम से बैठे हैं। और ये देखिए, ये अभी थोड़ी शाम हो गई है, तो आई डोंट नो आपको कितना क्लियर दिखाई दे रहा होगा। और सामने वो देखिए क्लॉक टावर, बट बहुत ही, अगर आप यहाँ आएंगे तो आराम से बैठिए, आपको शांति मिलेगी, बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। बिल्कुल इमामबाड़ा वाली रोड पर, और ये देखिए सामने रूमी दरवाज़ा, ये बहुत ही सुंदर, अगर आप देख पाए क्या ही सुंदर दृश्य है। और मैंने पहले भी देखा था, और मुझे पर्सनली ये बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं स्पेशली ये देखने के लिए इस साइड आया हूँ इसकी वीडियो लेने। और यहाँ पे इस रोड पे माना जाता है कि टांगे की सवारी बहुत फेमस है,
तो अगर आपको मौका मिले तो छोटे इमामबाड़ा से बड़े इमामबाड़ा तक ज़रूर आप टांगे की सवारी करें। और इनके पास आपको शॉप्स भी मिल जाएंगी, यहाँ पे चिकन का काम होता है, यहाँ पे चिकनकारी के कुर्ते बहुत फेमस हैं, तो वो शॉपिंग भी आपकी यहीं से हो सकती है। तो अब मैं आपको इसके इस द्वार से ले चलता हूँ और आपको खुद इसकी खूबसूरती दिखाई देगी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत फेमस मानी जाती है तांगे की सवारी। और ये देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं बड़ा इमामबाड़ा पे। यहाँ पे कैमल, ऊंट, तांगे, घोड़े, इन सब की सवारी बहुत ही प्रचलित है बच्चों में। तो अगर आप आते हैं यहाँ पे बच्चों के साथ तो इन सब का लाभ जरूर उठाइए। ये बिल्कुल पिकनिक एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। किसी देख पा रहे होंगे, ये है बड़ा इमामबाड़ा, बंद हो चुका है, उसके टाइमिंग्स होते हैं और ये 5 बजे बंद हो जाता है। और आप जब भी यहाँ आए इसे ज़रूर देखें। ये ऊपर भूल भुलैया जो छत है उसके नीचे आपको भूल भुलैया दिखेगा, तो उसमें भी ज़रूर जाएं, वो अपना एक अलग एक्सपीरियंस है। और ये 1784 में बना था बड़ा इमामबाड़ा, जब यहाँ पे बहुत ड्रॉट था समय की ये बहुत ही कीमती पेशकश, तो इसे आप ज़रूर देखें। अब मैं आपको बड़े इमामबाड़ा के बाद छोटे इमामबाड़ा की तरफ ले चल रहा हूँ, उसी दरवाजे से पास होके दोबारा। इस दरवाजे से पास है तो बिल्कुल ऐसा शाही महसूस होता है कि हम भी एक शाही खानदान से हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है छोटा इमामबाड़ा, मैं अभी इसमें आया हूँ। और अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है ज़्यादा, बट ये 1838 में मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था, जिसका सिग्निफिकेंस है इसमें 5 मेन डोरवेज हैं और उन 5 डोर जिन्हें पंजेतन कहा जाता है उनका बहुत सिग्निफिकेंस है। और ये 1838 में बनवाया था, इसके अंदर एक शिया मुस्लिम्स के लिए हॉल है। और यहाँ पे बहुत सारी आपको चिकन की शॉप्स हैं, इधर भी हैं। और ये देख सकते हैं जैसे मेरे पीछे चिकन आर्ट की शॉप्स मिल जाएंगी, तो आप ज़रूर विज़िट करें, आप देख सकते हैं। तो छोटा इमामबाड़ा, तो ये था दोस्तों मेरी दास्तान लखनऊ, नवाबों का शहर, तहज़ीब और तमीज़ की बेमिसाल जन्नत। मैं जानता हूँ दोस्तों कि अभी मैं आप लोगों के साथ लखनऊ के सारे रंग नहीं शेयर कर पाया हूँ, मैं अभी आप लोगों को शर्मा जी की चाय नहीं पिलवा पाया और मैं टुंडे कबाबी भी नहीं ले जा पाया आप लोगों को। और क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तो मैंने शाम को आपको हज़रतगंज के नज़ारे भी नहीं दिखाए, बट अब कुछ रंग मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद जाएं और अपनी फैमिली को भी लेके जाएं और ख़ुद एक्सप्लोर करें अब इस नवाब के शहर को। मैंने आपको हाइलाइट्स तो दिखाई दी हैं और घूमें, बट सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, अभी कोरोना गया नहीं है, तो सैनिटाइज़ और मास्क ज़रूर यूज़ करें। और आप लोगों से मुझे फुल सपोर्ट मिल रहा है मेरी वीडियोज़ पर, तो मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही अपना सपोर्ट कायम रखें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और जो लोग इस चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मैं जल्दी जल्दी अब अपनी फ्यूचर की वीडियोस अपलोड करूँगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलता हूँ जल्दी मैं आप लोगों के साथ नई वीडियो लेके। बाय।